वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पे। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे गणेश चतुर्थी का बैनर बनाना। ये फोटोशॉप के अंदर आपको बताएंगे और आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी और इसी तरह से आप भी शुभकामनाएँ का पोस्टर बना सकते हैं और शुभकामनाएँ के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ PNG फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी और PNG फाइल्स आपको गूगल से बहुत ही आसानी तरीके से आपको उपलब्ध हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो भी ये टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह आप देख रहे हैं, तो इसमें कुछ फॉन्ट हैं जो कि PNG हैं और कुछ फॉन्ट जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ये देख सकते हैं। तो इसको मैंने टाइप किया हुआ है, ये कुरुतिदेव फॉन्ट में है, यानी अगर आप कुरुतिदेव या फिर भारतीय हिंदी फॉन्ट में टाइप करते हैं तो सेम हिंदी में टाइप होगा और कुछ उसका स्टाइल चेंज हो जाता है, बाकी तो सेम अक्षर उसी में टाइप होते हैं, स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये वाला जो गणेश चतुर्थी जो लिखा हुआ है, तो देखिए ये वाला जो गणेश चतुर्थी लिखा हुआ है ये PNG फाइल है, इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे ना ही कलर फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे PNG रहेगी, उसी के आधार पे आप बैकग्राउंड को लगाइए। ये जो गणेश जी की फोटो है ये भी PNG फाइल है, ठीक है। और ये वाला जो है ये लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें आप कुछ लिख सकते हैं जैसे जो भी आप लिखना चाहें हिंदी में। उसके बाद ये भी ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है ये भी एडिटेबल है, इसमें आप एडिट कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ सारा एडिटेबल है, आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक दोहा है, दोहा भी PNG फाइल है, तो दोहा भी आप बदल के यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हटा करके सिंपल सा यहाँ पे जाइए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, डिलीट लेयर, ठीक है। तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी और आप उसके बाद दूसरा यहाँ पे लिख लें। अच्छा बैनर अगर बनाना है तो आपको PNG फ़ोटो की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो इस तरह से कोई भी आप पिक लगा सकते हैं। तो बारी आती है कि इसको सेव करने की, तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ सेव एज पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से JPG सेलेक्ट करेंगे तो ये इमेज JPG में यहाँ पर सेव हो जाएगी। और जल्द ही शिक्षक दिवस आने वाला है, तो उसके अवसर पे भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया, इसकी जल्द ही वीडियो आपको मिल जाएगी, तो ये तो बात की बात है। और यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल, इसको मैं JPG यहाँ से सेव करता हूँ इस तरह से, गणेश चतुर्थी सेव, क्वालिटी मैक्सिमम रखी इसका, और यहाँ से इसको विंडो को LT कर दिया, यहाँ से रिफ्रेश किया तो ये जो फोटो भी मैंने सेव किया है ये यहाँ पर आ गई है। JPG में यहाँ पे फोटो आ चुकी है, आप इसको विश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फोटो और ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है आपको बैनर पोस्टर ही बनाना पड़े, आपको कुछ और काम भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप बैनर पोस्टर तक ही बनाएं। तो ये छोटी सी जानकारी है
और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लोगों को साथ शेयर करें जो भी इंटरेस्ट रखते हैं ऐसी चीज़ों में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।